हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार वल्लभ भाई की मूर्ति है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण और रोचक तथ्य बताएंगे जो कि आपको अच्छा लगेगा और ये जान के भी अच्छा लगेगा कि मूर्ति कितनी भव्य है, कितनी विशाल है और इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या हैं। ये आपको एग्जाम्स में भी मदद करेंगे, साथ ही साथ आपको नॉलेज बूस्ट करने में भी मदद मिलेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी नींव कब रखी गई थी। तो 31 अक्टूबर 2013 को, यानी कि आज से 5 साल पहले इसकी नींव रखी गई थी। और ये नींव रखी थी गुजरात के CM नरेंद्र मोदी ने, भारत के PM नरेंद्र मोदी ने नहीं रखा था, ये आपको ध्यान देना है। गुजरात के CM ने ये नींव रखी थी। अगर हम इस मूर्ति की बात करें तो ये वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू है, यानी कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति, 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसने स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा के 153 मीटर की जो मूर्ति थी उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है, वो चाइना में है। इसके अलावा इसने 120, 93, ये सब इसके सामने बहुत ही छोटे से लगते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी 93 मीटर है, उससे अप्रॉक्स डबल है ये मूर्ति। अगर हम बात करें इसके डिजाइनर की तो इसके डिजाइनर हैं राम सुतार। आपको ये ध्यान देना है, ये एग्जाम्स में काफ़ी टाइम पूछा जा सकता है। राम सुतार इसके डिजाइनर हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसको निर्मित किसने किया है, किस कंपनी ने बनाया है। तो ये बनाया है लार्सन एंड टूब्रो कंपनी ने। लार्सन एंड टूब्रो, जब इसे बनाने के लिए बिडिंग चल रही थी तो लार्सन एंड टूब्रो ने सबसे कम दाम में बोली लगाया था, 2989 करोड़ रुपीज़, और उसने ये बिड जीत लिया था। तो उसे ये फिर मिल गया था कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट ये मूर्ति बनाने के लिए। अगर हम बात करें इसकी स्थिति की तो ये स्थित है नर्मदा नदी के ऊपर, नर्मदा जिले में, गुजरात में। साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जहाँ पे नर्मदा जिले में बना है वो जगह जो है वो है एक रिवर आइलैंड जिसका नाम है साधु बेट। साधु बेट रिवर आइलैंड पे ये बना है, और साधु बेट एक रिवर आइलैंड है जो कि चारों तरफ से नदी से घिरा हुआ है। तो उसको बनाने के लिए एक ब्रिज भी यहाँ पे बनाया गया है। इसके साथ साथ एक एग्जीबिशन हॉल भी इसके नीचे बनाया गया है। अगर हम बात करें टोटल खर्च की, कितना रुपए टोटल खर्च पड़ा है, तो 2989 करोड़ रुपीज़ टोटल, यानी कि 2989 करोड़ रुपए का टोटल खर्च पड़ा है। लेकिन एक बात आपको ज़रूर जान लेनी चाहिए कि पूरी की पूरी मूर्ति बनाने में 2989 करोड़ रुपए खर्च नहीं हुए हैं। मूर्ति बनाने में सिर्फ और सिर्फ 1347 करोड़ हुए हैं खर्च। उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिवर आइलैंड को मेन आइलैंड से कनेक्ट करने के लिए जो ब्रिज बना है वो 83 करोड़ रुपए का था। 235 करोड़ जो मैंने आपको बताया एग्जीबिशन हॉल बनने में खर्च हुआ है, जैसे कि आप मूर्ति के नीचे देख पा रहे हैं। साथ ही साथ 15 साल, अगले 15 सालों के लिए इसका जो मेंटेनेंस करना है उसके लिए 657 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका वजन। तो इसका वजन है 1700 टन, 1700 टन इसका वजन है, और हाइट जैसा कि 182 मीटर है। तो ये इसको बहुत सारी तेज हवाओं का सामना करना पड़ सकता है, तो इससे वो मूर्ति टूट ना जाए, उसकी स्थिति में कोई विकृति ना आ जाए, इसके लिए इसे तेज़ हवाओं से झेलने की शक्ति दी गई है। और ये 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवाओं को झेल सकता है। साथ ही साथ जब हम गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में भूकंप का एक पुराना इतिहास रहा है, और वहाँ पे अक्सर भूकंप आते रहते हैं छोटे बड़े, इसीलिए इसे भूकंप रोधी बनाया गया है। और ये 6.5 रिक्टर भूकंप तक को सह सकता है। तो आप समझ सकते हैं अगर 6.5 रिक्टर स्केल का भूकंप आता है तो वो पूरे के पूरे एरिया को जहाँ पे वो आया है निस्तोनाबूद कर देता है। तो इसीलिए ये अगर ये मूर्ति टूटती है भूकंप से तो आप समझ सकते हैं आसपास के एरिया में कितनी भयावह भूकंप का प्रकोप रहेगा। तो इस तरह से भी ये काफ़ी सेफ है। और इसे अगर हम बात करें कि कितनी दूरी से इसे देखा जा सकता है, तो ये 12 किलोमीटर दूर से इसे देखा जा सकता है। काफ़ी ऊंची है ये बिल्डिंग। और उसके बाद सबसे एंड में इसका उद्घाटन किया गया है आज के दिन 31 अक्टूबर 2018 को। 31 अक्टूबर 2018 को इसका उद्घाटन कम्प्लीट हो गया है। तो ये थे टोटल फैक्ट्स इससे रिलेटेड। साथ ही साथ एक और बात, 31 अक्टूबर 2018 को तो ये उद्घाटन हो गया है, लेकिन जो जानने लायक बात यह है कि जब बनाना शुरू किया गया था तो इसे 42 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, यानी कि 42 मंथ का टारगेट दिया गया था, लेकिन कुछ अन्य कारणों के कारण इसे एक्सटेंड किया गया और इसलिए थोड़ा डिले हुआ है। और एक और चीज़ जो आपको जाननी है वो ये कि ये मूर्ति जो बनी है पूरी की पूरी तांबे से बनी हुई है। बहुत जगह आपको शायद मिल सकता है कि किसानों के द्वारा जो उनके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको पिघला के बनाया गया है, तो नहीं, ये पूर्णतया तांबे से बनाई गई है। और जो मूर्ति बनाने के लिए के नाम पे जो किसानों से उनके लिए गए थे औजार, उसका प्रयोग इसके नीचे के डिजाइंस वगैरह बनाने में किया गया है। ये मूर्ति पूरी तरह से जंगरोधी रहे इसलिए उच्च क्वालिटी का जो तांबा होता है उसका प्रयोग किया गया है। और वो तांबा की जो पैनल्स है 550 पैनल लगे हैं, और वो मेड इन चाइना है। तो ये भी बात आप जान ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चाइना का भी हाथ इसमें रहा है।
दोस्तों ये थे स्टैचू ऑफ यूनिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कुछ अनोखी बातें। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वीडियोज लाते रहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।